भैया नहीं करो यार, क्या कर रहे हो? मैं सारा थाने फोन कर रहा हूं, उन्हें तो थाने करो फोन, लाड़ी है मेरी। लाड़ी है तो क्या मार दो गा उसकी, उन्हें मारया। सो फाइनली गाइस, अभी ये चेक करो, बुकिंग अमाउंट डन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ऑटो लेके दिया अपने, मैंने कैश लेके दिया अपने, पैसों से लेके दिया। अली मजा आता वो घर पे सर रहा, नशे कर लेता, काम का पता नहीं इसको। अली शराब इतना है ना, खुद मैंने लेके दिया इसको ऑटो मेरे साथ। चलो मुझे जाके पूछो गाइस, मैं ना रिड्यूक 390 भी ले सकता हूँ, RC 390 भी, या यामा R1 5 भी। आप गाइस कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताना कि कौन सी बाइक लो मैं, कौन सी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल मेडिकल जान ब्लॉग्स। तो गाइस नई ब्लॉग शुरू हो रही है अपने घर से। आप तो गाइस अभी का ये सीन लगा, अभी ना मेरे को सक्षम मरू की कॉल आई, अभी जा रहा हूँ गाइस मैं ऑरेंज, और वो बोल रहे गाइस साथ ही साथ हम KTM के शोरूम जा रहे हैं गाइस, KTM की बाइक देखने या ड्यूक या RC। अभी ना गाइस बुक होने वाली है KTM एक। फिलहाल गाइस मैं भी देख रहा हूँ कि मैं भी टैंके पे एक बाइक ले लूँ, तो एडवांस में ही गाइस बुक होनी चाहिए, तो टैंके पे होनी चाहिए गाइस एक बाइक। अभी गाइस ये कंफर्म नहीं कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, बट गाइस अभी सक्षम और जा रहे हैं बाइक देखने, तो मैंने गाइस मैं भी देख लेता हूँ KTM ड्यूक, क्या पता गाइस पसंद आ जाए। तो गाइस आप सब भी मेरे को कमेंट्स करो कि मेरे को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। साथ साथ गाइस मैं बताता हूँ सबको गाइस लेटेस्ट वाले ब्लॉग में गाइस किसने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। गाइस सबसे पहले जो नाम है वो गाइस ज़ाहरा जहाँ का, गाइस ये ना डेली कमेंट्स करते हैं, तो आज इनका नाम आ गया। और जो उसके बाद है गैस वो हमाद, और जो गैस उसके बाद वो गैस AI राइट्स। तो गैस आप भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, आपका नाम भी आ जाएगा। और गैस कुछ भी सवाल पूछने का मेरे रिलेटेड, तो जवाब मिल जाएगा सबको। गैस क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट ब्लॉग में गैस जवाब मिल जाएगा आप सबको। तो चलो गैस मैं निकलते हैं, मिलता हूं सबसे सीधा और में जाके। A few moments later. So guys, ये चेक करो, अभी हमारा प्लान चेंज हो गया था। पहले हम ऑरेंज में आए थे, तभी हम गाइस कावासाकी में आ गए। जा तो KTM ही रहे, अभी बस इधर पे थोड़ा सा काम है कावासाकी में, सक्षम भी आ गया। तो यहाँ से गाइस काम होते ही हम निकलते गाइस KTM के शोरूम में गाइस KTM 390 देखने गाइस, क्योंकि इन्होंने भी एक KTM लेनी थी गाइस। तो मैंने सोचा मैंने भी गाइस टैंके पे बाइक ली है, तो मैंने सोचा मैं भी देख ही लेता हूँ आज ही KTM 390। और साथ में इब्रारा के उपता ने अंदर की तरफ गायब चले गया। तो चलो गाइस अब यहाँ पे चाय इसकी थोड़ी ढीली है, वो टाइट करवा देंगे, उसके बाद निकलते गाइस हम यहाँ से सीधा KTM के शोरूम में। सो फाइनली गाइस अभी आए थे हम KTM के शोरूम में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइस लगी है ड्यूक 390। ये चेक करो गाइस कितनी प्यारी लग रही है गाइस सामने से। गाइस इसमें ना कॉर्नर्स अपडेटेड है, प्लस में है कॉर्नर्स इसके। बाकी गाइस इसका मीटर सामने से चेक करो, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। गाइस मेरे ख्याल से ना गाइस इसकी हाइट थोड़ी कम है, और जो 200 नहीं है उसकी ज़्यादा है यार मेरे ख्याल से, उन्होंने बोला भी है वालों ने। ये चेक करो गाइस कितने खतरनाक लग रहा है इसका सामने वाला मीटर, देख रहे हो साइड स्टैंड लगा है, ये भी देख लो। ये चेक करना गाइस अभी हट गया। तो चलो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं गाइस RC 390। अभी यहाँ पे गाइस अवेलेबल है नहीं, लेकिन गाइस बुक वही हो रही है 390। अभी गाइस सक्षम भैया पहले के पहले कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना एक ही अवेलेबल है टोटल। तो अभी ना हम सिर्फ देखने आए थे, बाकी सक्षम भैया ने बुक कर दी। ये चेक करो यहाँ पे ड्यूक कितनी खतरनाक लग रही है, मैं आपको एक बार बैक साइड वाली लुक भी दिखाता हूँ। देख रहे हो जैसे कितनी खतरनाक लग रही है। चाबी बंद कर दे, चाबी बंद कर दे इसकी, और सामने से मैं आपको एक बार लुक दिखाता हूँ गाइस। देख रहे हो गाइस कितनी खतरनाक लग रही है। हैंडल सीधा कर, हैंडल सीधा कर। देख रहे हो गाइस कितनी प्यारी लग रही है गाइस। ये लगी है गाइस यहाँ पे ड्यूक 390, और ये लगी है यहाँ पे 250। आप देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा फर्क है इसमें और इसमें। ये ना पूरी गाइस वीट से एक टाइम लग रही है यार, ऐसे लग रही है गाइस फेयरिंग वाली बाइक में, और फेयरिंग आई भी है गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले से। ये चेक करो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाली में कितनी ज़्यादा कम फेयरिंग है, इधर से देख रहे हो। और अब मैं दिखाता हूँ गाइस आपको, इसमें ऑरेंज कलर है गाइस, लेकिन ये बुक है। यहाँ पे आप देखो नंबर वगैरह लगा है ऑरेंज कलर ना, वो गाइस ऑरेंज कलर भी खतरनाक है, बहुत प्यारी लग रही है ऑरेंज कलर भी और वो वाला भी। और बाकी मैं आपको RC दिखाता हूँ, यहाँ पे RC की ना हाइट थोड़ी ज़्यादा है यार इनसे। RC पे भी बैठ के दिखाता हूँ यार, बाकी RC तो गाइस मेरी फेवरेट बाइक है यार, देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है। अभी हम इस पर बैठ के दिखाते हैं आपको, इसकी हाइट ज़्यादा है मेरे ख्याल से। अबे भाई मेरे पाँव लग ही नहीं रहे हैं नीचे पूरे, और इस साइड भी। इसका मीटर देखो, इसका मीटर ज़्यादा अच्छा नहीं है यार। ये तो RC 200 है, बट गाइस 390 है ना, उसमें नेक्स्ट लेवल पावर भी है, और उसमें ग्रिप भी खतरनाक है। ये देख रहे हो क्या बात है गाइस। अब देखते हैं गाइस कौन सी बुक होगी। फिलहाल तो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइस आप सबसे। सो फाइनली गाइस अब ये चेक करो, बुकिंग अमाउंट डन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बाइक तो आप गाइस मिलनी है इस महीने के एंडिंग में। ये भैया बोल रहा है अगर 2-3 दिन पहले बुक की होती तो एक हफ्ते तक आ जाती, तो बोल रहा है अब इस बार जो स्लॉट आएगा उसमें तो आपकी बाइक आएगी नहीं, आपके नेक्स्ट वाले में आएगी। अब नेक्स्ट वाले में गाइस साथ साथ तो आती है नहीं बाइकें, अब इस वाले में गाइस एक हफ्ता लगेगा, तो नेक्स्ट वाले में भी गाइस ये बोल रहे एक हफ्ता और ज़्यादा ही इस महीने के एंडिंग पर मिलेगी। तो तब तक गाइस आप प्यार वगैरह बरसा देना, तब तक मेरा टैंके करवा दो, तो जो इनकी बाइक आई जाएगी तो साथ में गाइस मैं भी अपनी बाइक की बुक करवा दूंगा। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नहीं गाइस अभी कौन सी बाइक ले रहा हूँ मैं,
गैस मैं ना रिड्यूक 390 भी ले सकता हूँ, RC 390 भी या यामा R15 भी। आप गैस कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताना कि कौन सी बाइक लूँ मैं, कौन सी। मैं गैस कन्फ्यूज ही हूँ अभी, मैं गैस देख ही रहा हूँ खाली बाइक। मेरी जो ही गैस टैंके सब्सक्राइबर्स होंगे मैं बुक करवा दूँगा गैस टैंके पे, होनी चाहिए बाइक उससे पहले गैस मैं बुक वगैरह करवा दूँगा। बाकी गैस सक्षम भाई की आ जाएगी इस महीने की एंडिंग में, तो उसके बाद गैस मस्त मस्त व्लॉग देखने को मिलेंगे आप सबको गैस KTM पे। तो फिलहाल गैस अभी हम निकलते हैं यहाँ से थोड़ा टाइम बाद, बाकी कॉफ़ी वगैरह पी रहे यहाँ पे सारे देख रहे हो, थोड़े टाइम बाद निकलते हैं। मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस यहाँ पे लगी है ड्यूक 390, ये चेक करो यहाँ पे बुकिंग मोड हो गई, दिखाना स्लिप RC 390। आप गाइस छुपाने सरप्राइज तो रहा नहीं गाइस, बाकी सबने सरप्राइज रखो, बट गाइस मैंने पहले बता दिया आप सबको क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाइस मेरे एडेंस को सबसे पहले पता चले कि कौन सी बाइक लेनी है। ये चेक करो गाइस यहाँ पे RC 390, ये गाइस ड्यूक 390 है ना गाइस, ये भी मेरी फेवरेट है, RC भी मेरी फेवरेट है, बट गाइस थोड़ा अलग अलग है यार। इसमें मूड्स जो है ना गाइस कॉर्नर वाले में खाली प्लस है, बाकी गाइस सब कुछ सेम है। 390 RC 390 और ड्यूक 390 में गाइस बिल्कुल सेम है, मोड वगैरह रेन मोड नाइट मोड वगैरह स्पोर्ट्स मोड सारे एकदम ओके, और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी ऑफ होता है। इसमें गाइस एक एक्स्ट्रा फीचर है जो अपडेट में है गाइस एडवांस में, वो है गाइस कॉर्नर प्लस, बस और बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सेम है। बाकी गाइस ये नेकेड है और वो फेयरिंग वाली है, और मैं बता दूं गाइस अगर मॉडिफाई करनी हो तो RC तो ज़्यादा बेटर रहती है रैप वगैरह करवाने के लिए, ये संभाल के रखना अपने पास। और ये चेक करो गाइस यहाँ पे, वो तो गैस अग्रेसिव भी लगती है पीछे से जब टेल टाइट वगैरह उतर जाती है मॉडिफाई करने के बाद, बट गैस ये ना एकदम छोटी सी लगती है स्टंट बाइक के लिए गैस, ये ठीक है यार, ये तो स्टंट वगैरह भी करते हैं बट गैस ये तो RC पे भी कर लेंगे स्टंट, ये तो गैस बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स आप भी गैस सीख रहे होंगे वो इस पर गैस स्टंट वगैरह नहीं कर सकते। बाकी जरा इधर दिखा, ये तो गैस ये देख रहे हो चाबी कितनी खतरनाक है, BS4 से बिल्कुल अलग है यार। चलिए भी हम यहाँ पे गैस लगा देते हैं और निकलते हैं, उसके बाद बाकी गैस आपने तो स्क्रीन वगैरह देख ली होगी इसकी कितनी खतरनाक है। और ये गैस यहाँ पे 200 इसका मीटर देख रहे हो यार, ये तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार चलाने में, तो ड्यू गैस अच्छी है बट गैस इसका मीटर अच्छा नहीं है। और इस वाली का देखो गैस 250 का मीटर भी गैस 390 की तरह है, ये चेक करो गैस कितना खतरनाक लग रहा है, बट जो 390 का मीटर है वो गैस उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। गैस अभी हम सिग्नल पर रुके थे और आगे गैस ट्रैफिक वाले नाका लगा हुआ है सामने, और हमारे साथ जीनो सर, ये तो हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन हम पीछे से निकल जाएंगे साइड से। देख लो गाइस इधर से ये तो पकड़ दे, बट ये देखो इधर से रोक रहे थे इनको, बोल रहे थे वापस आने के लिए। तो गाइस अगर इनके क्लोज है उधर से पकड़ देते यार, ये सक्षम भैया ऑटो के पीछे से चले गए इसलिए कुछ नहीं बोला। पता गाइस पकड़ देते, मैंने पहले बोला था इनको कि आपके एग्जॉस्ट से ये पहचान लेंगे और ये आएंगे आपको पकड़ने, बट गाइस ये गाड़ी के पीछे से निकला तो उनको पता ही नहीं चला, उसके बाद वाला रिएक्शन तो आपने देख लिया होगा कितना खतरनाक था। 2000 years later भैया नहीं करो यार, क्या कर रहे हो? मैं सारा थाने फोन कर रहा हूं, उन्हें तो क्यों थाने करो फोन, लाड़ी है मेरी, लाड़ी है तो क्या मार दो होगा उसकी, उन्हें मारया दिखा दो, ये मारे हां सब लगी उसी ओ इधर कने लगी भरा है उधर कने लगी मार दे ना जी मार 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 मंगाओ अपनी गल इंजा तो वो करगा करना है नहीं नहीं अब नहीं है अगर तो पीनी करना है करता तमाशा तेरा नहीं है। दो मिनट रुको, आपके घर पे किसी को फोन करो पहले, आप ये लो लड़की को मारा था भरा भाई डरो डर कर नहीं सुनो भैया नहीं करो यार कुछ नहीं, मैं पटाके नहीं मारे खाए मेरे को हूं ओ यार छड्डो दे सही 2 मिनट हूं मैं फोन करना DSP पर यार रखी फोन कर दे उसको यार चल यार ओए बेचारा तू पीछे ही गल करा पीछे गल करा ਬਗਾਨੇ ਤੀਆਂ ਬੇਈਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਨੇ ਨੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲਾੜੀ ਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਉਧਾਰ ਕੇ ਜਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਦੋ ਛੀ ਹੈ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੋਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਰਾ ਮੈਂ ਸੋਲੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਕਾ ਪੇ ਆਪਦਾ ਜਾਨੀ ਪੁਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਤੋ ਕਿਸ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਘਰ ਪੇ ਆਪ ਹਾਂ ਯਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੋ ਮੈਂ ਚਲ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਲੈ ਆ ਆ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਾ ਜਾ ਉੱਠ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਲੱਭਾ ਕੰਬਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਪੈਰੀ ਤੇ ਜਗਾ ਦਾ ਮੋੜਾ ਨਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗਾਨ ਕਿਤੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ ਦੋ ਭਾਈ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭਈਆ ਇਸ ਕਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਨੇ ਛੇਲਾ ਔਰ ਭਾਈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੜਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਲੜਕਾ ਤਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਆ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਆ
अपने पैसे लेके दिया खुद मैंने लेके दिया इसको ऑटो मेरे साथ चलो जाके पूछो नहीं अपने आप माइक से किसी को फोन करो चल हूं तेरा मेडिकल कराना मैं कराई दो नहीं तू अपने भाई गया नहीं फोन करा तू आपू मर्जी की शादी की है आ जी आ जा मेरा आ पता ना तो तू गल करा ना अंदर कने वीर हुंदे कने करा गल सी तीन बारी पीछे हटी ने स्कूटी दे पाया तीन पीछे कमा के ने इधर लागे दा मारन वास्ते मेनू अरे मारन दा ही नहीं मैं सिटी जा के गल नहीं कर सकदा मेरे नाल सिटी जा रहा लेइए सिटी सिटी जी करदा ही अच्छा सिटी कांदी तेनू सिटी लेके आ चल लेगा गली गली घूम के तेनू काम ही है नहीं चल ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਾਤੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਲਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਅੱਛਾ